Good afternoon, class. This is your book, The Art of Drawing and Coloring. And today's your topic is सीस्केप. आज हम सीस्केप ड्रॉ करेंगे और उसके लिए आप अपनी कलर्स को यूज़ करेंगे. आपके पास अगर पेंसिल कलर है तो पेंसिल कलर, ऑयल पेस्टल तो ऑयल पेस्टल, ओके, या क्रियॉन्स कलर. फर्स्ट हम पिक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? तो हमारे पास इनकम्प्लीट पिक्चर, सबसे पहले हम फिर नीचे से पूरा पिक्चर कंप्लीट है, इसमें भी कंप्लीट है. एंड यहाँ पर एक जिगजैग लाइन है जो कि आपके इस पॉइंट पर मिल रही है. ठीक है, फिर आपने उस पर क्या बनाना है? ठीक है, इस तरीके से पिक्चर डन है और थोड़े से क्लाउड आपके पेज के ऊपर भी हैं. अब हम कलर यूज़ करेंगे, तो मैं पेंसिल कलर यूज़ कर रही हूँ. आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अगर आप उसमें क्रियॉन्स कलर करना चाहते हैं तो आप क्रियॉन्स कलर कर सकते हो. मैं पेंसिल कलर यूज़ कर रही हूँ. सबसे पहले मेक अ आउटलाइन. देखिए, सबसे पहले मैं उस पर आउटलाइन कर लिया है और उस पर मैं स्काई ब्लू कलर करूँगी. देखिए, स्काई कलर करेंगे. और उसके बाद जितना भी स्काई कलर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है, और थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे के शेड वाला पोर्शन है, तो पहले मैं शेडिंग वाला पोर्शन हल्का हल्का सा इसमें कर लेती हूँ. ठीक है, और बाकी वाले में स्काई का पोर्शन जितना भी है मैं उसको स्काई कलर से कंप्लीट कर देती हूँ. बाकी इस पोर्शन में भी है, तो फर्स्ट मैं आउटलाइन. उसके बाद जहाँ जहाँ तक
ये नदी वाला सीन है। फर्स्ट आउटलाइन के अब फिर वही आउटलाइन और एस्ट्रा वाले पोर्शन को कवर करते हुए ये पूरा स्काई वाला कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें डार्क ब्लू से क्या करेंगे, जो ब्लू कलर है उससे हम थोड़ा सा मर्ज करेंगे। कैसे, ऐसे ऐसे हल्के हल्के से सर्कल सर्कल में उसको मूव करेंगे। देखिए पेंसिल को आप सर्कल सर्कल ऐसे राउंड राउंड करेंगे और इसको पूरे उसमें चलाएंगे, क्यों, इससे थोड़ा सा शेडिंग वाला पार्ट आ जाएगा और थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने सर्कल सर्कल पूरे उसमें करना था। यही जो आपने ब्लू वाले कलर से करा है, यही आपने डार्क डार्क थोड़ा सा आपने उससे भी करना है। ठीक है, अब हम करेंगे शिप में कलर वन बाय वन। सबसे पहले हम इस वाले शिप को करते हैं कंप्लीट और इसमें ब्लू कलर करते हैं। फिर सेकंड वाले पोर्शन में येलो कलर। फिर इसमें ऑरेंज कलर, फिर पर्पल कलर। और इस पर भी नीचे पर्पल कलर। अब पर्पल कलर हम इस पर करेंगे, बोर्ड पर आउटलाइन करेंगे। देखिए
सेम टू सेम शेप पर जैसे कलर है वैसे ही कलर आपको करना है, ठीक है? तो वन बाय वन हम उस पर कलर करते जा रहे हैं। और आप इसमें ठीक है, फिर येलो कलर, येलो कलर से आप जो ये वाला पोर्शन है मैं आउटलाइन करके बता देती हूँ कौन कौन से येलो कलर का पोर्शन है। इस पर आपका पूरा येलो है, इस पर पूरा येलो है, इस पर आपका लेमन येलो है, इस पर लेमन येलो है। तो ब्राउन ग्रे कलर, एंड ग्रे कलर हम इसमें करेंगे, ठीक है? सेट मेरे पास ग्रे कलर पेंसिल कलर में नहीं था, सो इसलिए मैंने क्रियॉन्स का यूज़ किया है। ग्रे का डार्क और लाइट दोनों ही हैं तो मैंने इसे यूज़ किया। आपके पास अगर ग्रे का कोई भी कॉम्बिनेशन हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और इस पर ऑरेंज कलर है। और इस तरीके से हमारा सी स्कैप कंप्लीट हो गया है। आपको भी अपनी ड्राइंग की फाइल में इसको बनाना भी है और ड्राइंग की बुक में भी करना है, आपको दोनों ही काम करने हैं। ओके क्लास, थैंक यू फॉर दैट इमेज। और आप इस इमेज को अपनी ड्राइंग की फाइल में भी बनाएंगे और बुक में भी बनाएंगे।